हेलो फ्रेंड्स, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ा हुआ कुछ सूत्र देखेंगे। यदि दो बिंदु x1 और y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु P xy m1 और m2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करती है, बाह्यतः विभाजित करता है, तो xy क्या होगा? हम यहाँ A जिसका निर्देशांक x1 और y1 तथा B जिसका निर्देशांक x2 और y2 है, और यहाँ P कोई बिंदु है जो x और y है, हमें यहाँ x और y का ही वैल्यू चाहिए, और यहाँ m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो m तो x बराबर हो जाएगा x2 m1 माइनस x1 m2 बटा दोनों अनुपात का अंतर m1 माइनस m2, और y इक्वल टू हो जाएगा y2 m1 माइनस y1 m2 बटा m1 माइनस m2। ये हो गया हमारा x और y का वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे यदि बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P xy हो तो A जिसका निर्देशांक x1 y1 और यहाँ B जिसका निर्देशांक x2 y2 है, और यहाँ P इसका मध्य बिंदु है, और हमें इस xy का वैल्यू चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे यदि त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 हो तो त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक होगा। हमें एक त्रिभुज दिया है A B C और इनका निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और हमें इसका केंद्रक G का मान चाहिए। तो G x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 y3 बटा 3। फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू।